द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। तुर्की में इजराइल को एक बड़ा झटका लगा है। खबर आ रही है कि मोसाद के दो जासूस तुर्की में पकड़े गए हैं जासूसी करते हुए। इस बात से इजराइल भारी टेंशन में आ गया है। खबर आ रही है कि दो जासूसों को पकड़ा गया है जिन पर आरोप लग रहे हैं, जो संदिग्ध थे कि वो इजरायली खुफिया एजेंसियों के साथ उनके संबंध है और उन्हें जानकारी दे रहे हैं। तुर्की ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। आप अपनी स्क्रीन पर ट्वीट देख रहे हैं क्लैश रिपोर्ट का। क्लैश रिपोर्ट ने यहाँ पर खबर जो है वो ट्वीट करके बताया है कि किस तरह से तुर्की ने दो इजरायलियों को गिरफ्तार कर लिया है। यहाँ पर लिखा है कि ब्रेकिंग न्यूज, तुर्की ने इजरायली खुफिया विभाग की ओर से जासूसी करने के आरोप में दो संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया है। तो तुर्की में ये दोनों जो हैं वो खुलेआम घूम रहे थे और जैसे ही उन पर शक हुआ, पूरी छानबीन हुई, जांच पड़ताल हुई और मौका देखते ही दोनों जासूसों को दबोच लिया, गिरफ्तार कर लिया। इन पर आरोप है कि ये इजरायली खुफिया विभाग की ओर से जासूसी कर रहे हैं और उन्हें ये जानकारी भी दे रहे थे। आप अपनी स्क्रीन पर यह आर्टिकल भी देख रहे हैं। ये आर्टिकल मिडल ईस्ट मॉनिटर का है, क्योंकि लोकल न्यूज़ में और इंडियन न्यूज़ वेबसाइट में आपको ये आर्टिकल नहीं मिलेगा, तुर्की से जुड़ी ये खबर नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप इंटरनेशनल वेबसाइट्स पर देखेंगे तो ये खबर आपको मिल जाएगी। उन्हीं में से एक आर्टिकल मैं आपके सामने रख रही हूँ, मिडल ईस्ट मॉनिटर का। यहाँ पर लिखा है कि तुर्की अथोराइज्ड रिमैंड टू इसराइल इन कस्टडी ओवर स्पैनिश। तो यहाँ पर बताया गया है कि तुर्की ने दो इसराइलियों को गिरफ्तार किया है जासूसी के आरोप में। यहाँ पर अपनी स्क्रीन पर आगे का आर्टिकल भी देखेंगे, इसमें लिखा है कि तुर्की अधिकारियों ने जासूसी के आरोप में दो इसराइलियों को जो है वो हिरासत में भेज दिया है। अभी पूरा मामला समझते हैं, ये आर्टिकल भी है। यहाँ पर लिखा है कि अनादोल एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, ये पूरा आर्टिकल जो है वो इंग्लिश में है, मैं आपको ट्रांसलेट करके बता रही हूँ। यहाँ लिखा है अनादोल एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार व्यापार के बहाने जासूसी के संदेह में हिरासत में लिए जाने के बाद तुर्की अभियोजकों ने दो इजरायली नागरिकों को हिरासत में भेज दिया है। तो यहाँ पर ये जो दोनों इजरायली एजेंट थे, ये तुर्की में जो है वो व्यापार के बहाने से रह रहे थे, लेकिन जैसे इन पर जासूसी का संदेह हुआ, इन्हें हिरासत में ले लिया गया। आगे लिखा है इस्तांबुल के मुख्य लोक अभियोजक कार्यालय के आतंकवाद और संगठित अपराध जांच ब्यूरो के एक निरीक्षण से पता चला है कि इजरायली खुफिया विभाग की ओर से काम करने वाले दो संदिग्ध फिलिस्तीनी सॉफ्टवेयर डेवलपर उमर ए के साथ बैठक की व्यवस्था करने के लिए तुर्की महानगर आए थे। यहाँ आप देख रहे हैं कि क्या कुछ आर्टिकल में लिखा है। आगे बताया जा रहा है कि अभियोजक के कार्यालय के अनुसार इजरायली खुफिया बलों से जुड़ी कंपनी ने पहले उमर ए के बारे में जानकारी इकट्ठा की, उसे एक नौकरी की पेशकश भेजी जिस पर संदिग्धों ने उससे कहा था कि वो चर्चा करना चाहते हैं। उसके बाद उन्होंने उमर ए के खाते में उनके द्वारा तैयार किए गए परिशन प्रोजेक्ट के लिए धनराशि भी जो है वो ट्रांसफर की। संदिग्धों में से एक को 7 अक्टूबर को इस्तांबुल हवाई अड्डे पर सैन्य और राजनीतिक जासूसी के आरोप में हिरासत में लिया गया था। ये पता चलने पर कि उसके इजरायली खुफिया बलों से संबंध थे, दूसरे को भी तेल अवीव की ओर से तुर्की में जासूसी के आरोप में हिरासत में लिया गया था। तो ये दो लोगों को हिरासत में लिया गया है जिन पर आरोप है कि वो इसराइल की खुफिया एजेंसी के लिए वहां पर जो है जासूसी कर रहे थे और खुफिया एजेंसी के साथ उनके संबंध थे, जिसके बाद उन पर संदेह होते ही, शक होते ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। और ये खबर सामने आते ही इसराइल जो है वो भारी टेंशन में चला गया है। एक तरफ हम देख रहे हैं कि हवास इसराइल युद्ध में किस तरह से इसराइल जो है वो लगातार पीछे जो है होता जा रहा है। लगातार हमास के लड़ाके, प्रतिरोध बल कसम ब्रिगेड के लड़ाके इजरायली बलों को, इजरायली सैनिकों को पीछे खदेड़ रहे हैं और लगातार इजरायल अच्छी खासी रकम भी इस युद्ध में जो है वो गंवा रहा है, क्योंकि हर दिन उसका बिलियन जो है वो खर्चा हो रहा है। और इसी के साथ यहाँ पर दो उसके जो जासूस हैं जो तुर्की में जासूसी कर रहे थे वो भी पकड़े गए हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से इजरायल जो है वो बेबस हो चुका है और इजरायल अपनी साख बचाने के लिए जो भी उससे हो सकता है वो कुछ कर रहा है, लेकिन यहाँ पर भी इसराइल को कुछ भी हाथ नहीं लगा, क्योंकि दोनों ही जासूस जो हैं उसके वो तुर्की ने पकड़ लिए और हिरासत में भेज दिए।
वहीं आपको बता दें कि लगातार गाजा में जो जमीनी लड़ाई हो रही है, हालांकि अब जो है आज से जो है ये समझौते के तहत 4 दिनों के लिए युद्ध विराम हो जाएगा, लेकिन जो जमीनी लड़ाई लगातार हो रही है उसमें लगातार इजरायली सैनिक जो है वो मारे जा रहे हैं, लगातार इजरायली सैनिकों का जो है वो नुकसान हो रहा है। एक खबर भी सामने आ गई है जिसमें कहा जा रहा है कि इसराइल का जो है वो $48 बिलियन का नुकसान हो जाएगा। अमेरिका ने जो रकम उसको दी है उसका एक तिहाई रकम है जो 45-46 दिनों में बर्बाद हो जाएगी, 45-46 दिनों में जो है इस रकम, ये रकम जो है वो खर्च की जाएगी। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि इसराइल चारों तरफ से बुरी तरीके से फंस चुका है, और यही वजह है कि शायद इसराइल ने सोचा हो कि तुर्की में 2 जासूस भेज करके हमास की टैक्टिक्स और स्ट्रैटेजी के बारे में पता लगा लिया जाए कि हमास किस तरह से घात लगाकर हमले कर रहा है, लेकिन यहाँ पर भी उसको कुछ हाथ नहीं लगा, दोनों ही जासूस जो है वो गिरफ्तार हो गए। वहीं दोनों के बीच समझौते की बात करें, हमास इसराइल के बीच समझौते की बात करें तो दोनों के बीच कई दिनों से खबरें आ रही थी कि डील होगी, समझौता होगा, लेकिन बार बार ये समझौता जो है वो अधर में लटक जाया करता था, लेकिन इस बार समझौता हो चुका है और इस समझौते के तहत आज यानी शुक्रवार को 4 दिनों का संघर्ष विराम शुरू हो जाएगा गाजा पट्टी में, और साथ ही जो बंधक हैं उन बंधकों की अदला बदली भी होगी, इसराइली बंधक भी हमास की तरफ से छोड़े जाएंगे, वहीं इसराइल की तरफ से भी फिलिस्तीनी कैदियों को जो है वो छोड़ा जाएगा। तो इस तरह से बंधकों की अदला बदली होगी। वहीं कहा जा रहा है कि मानवीय सहायता भी गाजा में पहुंचाई जाएगी, ईंधन, बिजली, फ्यूल, मेडिकल से जुड़ी तमाम चीज़ें, खाने पीने की चीज़ें जो इसराइल ने इतने दिनों से बंद कर रखी थी वो सभी चीज़ें जो है वो गाजा में पहुंचाई जाएंगी, और गाजा के लोगों को जो है वो कुछ दिनों के लिए इस युद्ध से छुटकारा मिलेगा, या फिर यूं कहें कि इस युद्ध से राहत मिलेगी, क्योंकि लगातार ही इसराइल गाजा पट्टी पर बमबारी कर रहा है और उसमें कई लोग लगातार सैकड़ों लोगों की जाने जा रही हैं। तो दोनों के बीच समझौता तो हो चुका है, लेकिन देखना होगा कि ये समझौता आगे कितना चलता है। वहीं लगातार हिजबुल्ला भी इसराइल को जो है वो आईना दिखा रहा है, लगातार हिजबुल्ला भी इसराइल पर हमले कर रहा है, हिजबुल्ला के हमलों में भी कई इसराइली घायल हुए हैं, कई इसराइलियों का जो है सफाया हो चुका है, कई इसराइली सैनिक घायल हो रहे हैं, कई टैंक नष्ट हो रहे हैं, कई बख्तरबंद वाहन नष्ट हो रहे हैं, यहाँ तक कि इससे भी बड़े बड़े नुकसान जो है वो सामने आ रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें हम देख रहे हैं कि राउंड फिगर कुल मिलाकर जो है वो इसराइल का ही नुकसान हो रहा है, और यही वजह है कि इसराइल हमास के सामने झुकता आया है। और अब इसराइल के 2 सैनिक जो हैं वो तुर्की में भी पकड़े गए हैं, ये 2 सैनिक जासूसी कर रहे थे, जासूसी किस चीज़ को लेकर कर रहे थे, क्या जानकारियां जो हैं उन्होंने अपनी खुफिया एजेंसी तक पहुंचाई है इस बात का तो पता नहीं चला है, लेकिन उन पर शक था कि वो इसराइल की खुफिया एजेंसी से जुड़े हुए हैं और उनके विभाग को रिपोर्ट कर रहे हैं, यानी सारी जानकारी उन तक पहुंचा रहे हैं, और जैसे ही उन पर शक हुआ वैसे ही जो है उन्हें तुर्की ने गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि हमास इसराइल जंग में तुर्की भी लगातार इसराइल की निंदा करते नहीं थक रहा है, तुर्की भी लगातार इसराइल से यही कह रहा है कि वो वॉर क्राइम कमिट कर रहा है गाजा में, और गाजा के मासूम लोगों पर इसराइल को बमबारी नहीं करनी चाहिए। समय समय पर तुर्की भी इसराइल के खिलाफ बयान देता आया है और गाजा में फिलिस्तीनियों का समर्थन करता आया है। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं? जिस तरह से एक तरफ तो इसराइल हमास हिजबुल्ला से पिछड़ता जा रहा है, दोनों के सामने ही टिक नहीं पा रहा, दूसरी तरफ अब उसके जो 2 जासूस हैं, एजेंट हैं, उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया है तुर्की में, जिन पर आरोप है कि वो इसराइल की खुफिया एजेंसी को रिपोर्ट कर रहे थे, इसराइल की खुफिया एजेंसी विभाग की ओर से जासूसी करने का उन पर आरोप लगा था, और उन्हें जो है इस आरोप के तहत और शक के तहत जो है गिरफ्तार कर लिया है। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं? कॉमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।